जीएसटी विभाग की छापेमारी की सूचना पर क्या दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकान को बंद कर देना सही है या फिर दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके खुद ही जीएसटी विभाग के अधिकारियों को दावत दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक हमारी बातें आपको समझ में ना आई हो, लेकिन इस खबर को देखने के बाद हमारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आजकल उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए जीएसटी चोरी करने वाले लोगों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिस दौरान जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी की सूचना पर ही व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों को बंद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण आम जनमानस को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में हम उन दुकानदारों को बता देना चाहते हैं कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी सिर्फ उन लोगों के यहाँ की जा रही है जिन लोगों के द्वारा अपने बैंक के खातों के ट्रांजैक्शन में कई प्रकार की कर चोरी किया जा रहा है। उसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों की चेकिंग जीएसटी विभाग के द्वारा किया जाना है, जिसमें आम व्यापारियों का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ उन लोगों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है जिन लोगों के द्वारा जीएसटी की चोरी की जा रही है। ऐसे में उन दुकानदारों से जीएसटी विभाग का कोई लेना देना नहीं है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं या फिर जिनके द्वारा जीएसटी की चोरी नहीं की जा रही है। अगर आप हमारी बातों को समझ गए हो तो अपनी दुकानों का शटर उठा दें, नहीं तो दुकान बंद होने के कारण भी जीएसटी विभाग के अधिकारियों की शक के दायरे में आप भी आ जाएंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि श्रावस्ती जिले के जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीनानाथ गुप्ता के द्वारा क्या कहा गया। सम्मानित व्यापारी साथियों, सभी को नमस्कार। मैं दीनानाथ गुप्ता, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल जनपद श्रावस्ती, क्षेत्रीय सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र। वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग द्वारा व्यापारियों के दुकानों पर सर्वे और छापे किए जा रहे हैं। इसमें आम व्यापारियों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। हमारी जीएसटी अधिकारियों से बहुत खुल के स्पष्ट वार्ता हुई है। इस संबंध में मेरा ये निवेदन है कि जनपद के जितने भी व्यापारी हैं सभी अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को खोलें और निर्बाध रूप से अपना व्यापार करें। अधिकारियों के मुताबिक जिन व्यापारियों द्वारा कतिपय व्यापारियों द्वारा अपने बैंक खातों में ट्रांजेक्शन में तमाम अन्य तरीके से कर चोरी के प्रयास किए गए हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों की चेकिंग जीएसटी विभाग द्वारा होना है। इसलिए इसमें आम व्यापारी से कोई लेना देना नहीं है और न किसी को भयभीत होने की आवश्यकता है। आप सभी लोग अपना अपना दुकान नियमित तरीके से खोलें और अपना व्यापार करें। कहीं कोई किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हमारे मोबाइल नंबर 7398269955 पे आप वार्ता कर सकते हैं किसी भी समय।